हेलो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये आई कॉलर एप्लीकेशन है, यानी जब आप अपने फ़ोन पे ये ऐप आप डाउनलोड करोगे और जब आपके फ़ोन पे कॉल आएगा और जब आप फ़ोन कॉल करोगे तो कुछ अलग ही चेंजेस रहेगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों इस टाइम मेरे एरिया में बारिश खूब हो रही है, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बनाने में लेट कर देता हूँ, इसलिए दोस्तों सॉरी चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कमेंट पे ज़रूर कहिएगा कि आपको कौन सी ऐप ज़्यादा पसंद आती है। आप उस ऐप का नाम बता सकते हैं या फिर आप जो भी आपके ऐप नहीं समझ में आता, आप उस ऐप का मुझे लिंक भी दे सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस ऐप के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ऐप के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये आई कॉलर एप्लीकेशन ऐप है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सेटिंग मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी अच्छा कीपैड ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, यानी इसमें आपको छोटे छोटे नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े नंबर मिल जाएंगे, जिससे आपको फ़ोन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको कॉन्टेंट नंबर मिल जाएंगे, जो आपके नंबर यहाँ पे सेव रहेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद रिसेंट में जो आप कॉल करोगे या फिर जो आपके फ़ोन पे कॉल आएगा वे दिखाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह इसमें फ़ीचर है। आप सेटिंग के ऑप्शन पे जाते हैं तो इसमें मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि इसमें आपको कैसे कैसे वॉलपेपर लगाना है, रिंगटोन सेट करनी है। ठीक दोस्तों, तो जब आप जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनरल सेटिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे साइड टू आंसर, यानी जब आपके ऊपर फ़ोन आएगा तो ये साइड यानी आपको ग्रीन कर देना है। ठीक दोस्तों, यानी आपको ये ऑफ रहेगा तो आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिम पे आपको सिम सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपके जो भी सिम लगा होगा आप उसमें सिम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और आपको जब बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों इसमें आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप इसमें वॉलपेपर देखोगे तो इसमें आपको कोई प्राइम वॉलपेपर मिल जाएगा और फ्री वॉलपेपर मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिल जाते हैं, फ़ोटोज़ वॉलपेपर मिलते हैं और साथ में आपको वीडियो वॉलपेपर भी मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से वॉलपेपर यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बैक आने के बाद दोस्तों इसमें आपको कॉलर ब्लॉकर का ऑप्शन मिलता है, यानी आपके में जो भी कंपनी या फिर किसी फेक नंबर से, अगर अननोन नंबर से कोई भी नंबर आता है तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। ठीक दोस्तों, ब्लॉक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, यानी आपको यहाँ पे 5 रिंगटोन दिया रहेगा, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सिर्फ रिंगटोन एक ही प्राइम में है। ठीक दोस्तों, तो आपको जैसे लगे आप उस टाइप से अपना रिंगटोन सेट कर सकते हो। इसके बाद इसमें दोस्तों और क्या मिलता है, इसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक दोस्तों, इससे क्या रहता है, जैसे कि आपको कोई भी मैसेज करना है या फिर कुछ भी करना हो तो ये आपका काफ़ी मदद करता है। और ये दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर आप मोबाइल से कुछ भी बोलते हो तो स्पीक कॉलर नेम, यानी जब आप मोबाइल से बोलोगे तो वे जो आपके फ़ोन पे नाम सेट रहेगा तो फ़ोन लग जाएगा। ठीक दोस्तों, ये स्पीक अननोन नंबर, जो आपके अननोन नंबर सेव रहेगा ये उसके लिए। और दोस्तों इसमें आपको प्राइवेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, साइलेंट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पे टैक्स बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक दोस्तों, तो इसमें कुछ एक मेन सेटिंग रहती है। और दोस्तों इसमें खास बात है कि इसमें आप डार्क मोड भी कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो डार्क मोड के लिए जब आप डार्क मोड पे जाओगे तो आप डार्क मोड को अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपल सेव कर देना है, सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हो इसमें आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक दोस्तों,
मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों मैं आपको कॉल करके और पूरा एकदम सेट करके दिखा देता। अगर मैं कॉल करके दिखाऊंगा तो दोस्तों ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप इसे फेक एप्लीकेशन मत मानिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको प्ले स्टोर में रिव्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है, तो आप इसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो।